सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट टेक इन्फो चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं उज्जवल और स्वागत है आपका स्मार्ट टेक इन्फो के फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज हम देखने वाले ओप्पो रेनो 10x जूम हुवाई P30 Pro दोनों के कैमरा यहां पर हम वर्सेस करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ओप्पो रेनो के लेफ्ट साइड में है, हुवाई P30 Pro राइट साइड में है। यहां पर कैमरा देखिए 48 मेगापिक्सल ओप्पो में है तो 40 मेगापिक्सल हुवाई P Pro, 13 मेगापिक्सल सेकेंडरी टेलीफोटो ओप्पो में है तो 8 मेगापिक्सल हुवाई P30 Pro, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल ओप्पो रेनो में है तो 20 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल हुवाई P30 Pro में है। तो इस तरह यहां पर डिटेल दिया गया है, 10x लॉसलेस जूम दिया गया है ओप्पो रेनो और हुवाई P30 Pro में। तो आइए यहां पर डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में क्या क्या दोनों में डिफरेंस दिया गया है। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर सेल्फी में 16 मेगापिक्सल दिया गया ओप्पो रेनो को और वहीं पे दिया गया है 32 मेगापिक्सल हुवाई P30 Pro में। तो यहां पर हुवाई P30 Pro बाजी मार लेता है। दोनों में 10x लॉसलेस जूम दिया गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट TOF कैमरा दिया गया है हुवाई P30 Pro में और इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल भी ज़्यादा दिया गया है कम्पेयर टू ओप्पो रेनो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज डिटेल में पूरे सैंपल कैमरा सैंपल पिक्स के साथ यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ओप्पो और हुवाई P30 Pro। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट यहाँ पर पिक आपके सामने ये देखिए, ये डे लाइट में निकाला गया है दोस्तों, लेफ्ट साइड में ओप्पो, राइट साइड में हुवाई P30 Pro। दोनों में आप देखिए डिफरेंस, आपको पता चलेगा हुवाई P30 Pro जो है वो नेचुरल दिख रहा है, ओप्पो थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा मार रहा है। यहाँ पर देखिए अगेन ओप्पो का जो ब्राइटनेस है ज़्यादा ले रहा है, पंची कलर्स ज़्यादा कर रहा है और वहीं पर हुवाई P30 Pro नेचुरल बता रहा है। उसका स्काई देखिए, स्काई ब्लू कलर। यहाँ पर देखिए जो ब्लरिंग इफेक्ट पोर्ट्रेट इफेक्ट दिया गया है हुवाई P30 Pro का काफ़ी अच्छा है कम्पेयर टू ओप्पो रेनो का। यहाँ पर देखिए ओप्पो रेनो ऑब्जेक्ट पर भी अच्छा फोकस कर रहा है, नीट क्लियर कर रहा है, ये देखिए पोर्ट्रेट इफेक्ट। यहाँ पर हुवाई P30 Pro में पोर्ट्रेट इफेक्ट राइट साइड में देखिए और ओप्पो रेनो का देखिए, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है बट हुवाई P30 Pro का काफ़ी काबिल तारीफ है। यहाँ पर देखिए हुवाई P30 Pro का अगेन क्लियरिटी काफ़ी डिटेल्स ज़्यादा क्लियर दिख रहे हैं कंपेयर टू ओप्पो रेनो। तो यहाँ पर मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए ये बिल्डिंग्स और ये जो आउट का जो लाइटिंग्स है 10x जूम और P30 Pro दोनों का वर्सेस यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों ये देखिए नाइट मोड में हुवाई P30 Pro का नाइट मोड जो है वो काफ़ी अच्छा है बट ये 5x जूम है, वहीं पे ओप्पो रेनो का 6x जूम के साथ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा डल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए हुवाई P30 Pro और ओप्पो रेनो दोनों में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मुझे ओप्पो रेनो का क्लियरिटी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्काई क्लियरिटी वगैरह। और यहाँ पर देखिए हुवाई P30 Pro में थोड़ा सा ग्रीनिश कलर आ रहा है और ओप्पो रेनो में थोड़ा सा रेडिश कलर आ रहा है, दोनों में थोड़ा सा नेचुरल नहीं दिखा दे रहा है मुझे। बट यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे वाला जो है हुवाई P30 Pro ओप्पो वाला है, ओप्पो रेनो दोनों सेम नियर अबाउट, नीचे हुवाई P30 Pro थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा बता रहा है। यहाँ पर अगेन देखिए लेफ्ट साइड में रेनो और राइट साइड में ओप्पो P30 Pro, तो हुवाई P30 Pro में ब्राइटनेस ज़्यादा है, क्लियरिटी अच्छी बता रहा है। जी हाँ, यहाँ पर लाइटिंग का इफेक्ट्स भी यहाँ पर देखिए हुवाई P30 Pro में डिटेल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं लाइटिंग के वगैरह कंपेयर टू ओप्पो रेनो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।